दिवाली से पहले अगर आप चाहते हैं कि फूलों के बहुत सारे कलेक्शन आपके गार्डन में भी हो, तो नर्सरी से हमें कौन से फूलों के पौधे ख़रीदना चाहिए इस टाइम अक्टूबर लास्ट में, तो उन पौधों के नाम मैं शेयर कर रही हूँ जो नर्सरी में हमें कम दामों में मिल भी जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू मई चैनल। तो चलिए इस छोटी सी वीडियो में उन पौधों के नाम जान लेते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बेल आइकन के बटन को दबाकर। सबसे पहला जो पौधा है और सबसे लंबे समय तक हमारे गार्डन में खिलता है और एक परमानेंट पौधा भी है जो सस्ते प्राइस में इस टाइम हमें नर्सरी में दिखने को में भी मिलता है। अगर आपका गार्डन बहुत छोटा है और आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में बहुत सारे रंगों के फूल खिले, तो गुलदावरी को सबसे पहले आप परचेज़ कर सकते हैं। गुलदावरी के जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, एकदम आर्टिफिशियल फूल की तरह दिखने वाला ये पौधा होता है। आजकल नर्सरी में इनकी बहुत सुंदर सुंदर किस्में हमें मिल जाती है, साथ ही कलर भी। ये देखिए, ये जो गुलदावरी है इसकी हाइट कितनी छोटी है, पत्तियों से ज़्यादा आपको फूल ही नज़र आ रहा है और एकदम आर्टिफिशियल एक गुलदस्ता। एक बार अगर इन पौधों को हम परचेज़ कर लेते हैं तो ये परमानेंट पौधे होते हैं जो कभी ख़राब नहीं होते और इनको हम मल्टीप्लाई किसी भी टाइम कर सकते हैं। अभी इनकी ग्रोइंग टाइम है, ग्रोइंग टाइम में हम अगर किसी भी पौधे की कटिंग करते हैं तो वो कटिंग लग भी जाती है और छोटी सी कटिंग में फूल भी दिखने को मिलता है। तो दिवाली से पहले आप गुलदावरी को ज़रूर परचेज़ करें। अगला हमारा गेंदा है जिसे मैरीगोल्ड कहते हैं। इसके बिना तो हर किसी का गार्डन अधूरा रहता है और विंटर का सबसे हैवी और लंबे समय तक फूल देने वाला पौधा होता है, साथ ही सबसे सस्ती प्राइस में मिलने वाला भी पौधा होता है। ये जो फूल हैं, इनके फूल एक बार अगर खिल जाए तो कम से कम 2 मंथ तक ऐसे ही फ्रेश खिले रहते हैं हमारे प्लांट में। जल्दी से ये बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं और जब सूख जाते हैं तो उनको प्लांट से अलग करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या होता, हमारा ये छोटा सा पौधा फिर फूल देना एकदम से बंद कर देता है। फिर हम सोचते हैं कि बस इसकी लाइफ इतनी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए वीडियो के बीच बीच में मैं आपके साथ थोड़ी सी केयर टिप्स शेयर कर देती हूँ। पिंच करके हटाने से क्या होता है, ये अपनी एनर्जी सीड में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता और सीड तैयार हो जाता है तो पौधा की लाइफ वहीं ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम पिंच करते तो नई ग्रोथ देखने को मिलती है, फिर से नई कलियाँ आ जाती है। नेक्स्ट हमारा एंथोरियम है। नर्सरी में इनकी बहुत सुंदर सुंदर कलर आजकल देखने को मिल जाता है। ये पौधा थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन ये पौधा परमानेंट होता है। एक बार ख़रीदा है तो इसी एक पौधे से हम ढेरों सारे पौधे तैयार कर सकते हैं विंटर सीजन में, क्योंकि इनके छोटे छोटे से बेबी प्लांट इनके आसपास से ग्रो होते हैं। इन पौधे को लगाने के लिए हमें ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे से 5 इंच के या 6 इंच के प्लास्टिक पॉट या सीमेंट के पॉट या कोई भी पॉट में आप इस पौधे को लगा कर घर में, मतलब बेडरूम में, लिविंग रूम में, कहीं पर भी आप इसे डेकोरेट करने के लिए रख सकते हैं। इस पौधे में पानी और खाद की बहुत कम मात्रा की ज़रूरत होती है, साथ ही धूप की, सनलाइट इसे मॉर्निंग की पसंद है, दिन भर की बिल्कुल भी नहीं। अगला प्लांट हमारा बहुत ही लाजवाब का है। अगर आपका गार्डन बहुत ही छोटा है और छोटी सी जगह पे आप ढेरों सारे कलरों को ऐड करना चाहते हैं तो वर्बीना को ज़रूर ऐड करें। वर्बीना की हाइट बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत ही छोटी हाइट का यह पौधा होता है। इसे हम 4 इंच के और 5 इंच के गमले में लगा सकते हैं। कलर की बात कहूँ तो इसमें बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन होता है। इनके कलरों को देखकर इस पौधे को सबसे ज़्यादा परचेज़ किया जाता है। इनकी पत्तियाँ भी देखिए कितनी खूबसूरत होती है, छोटी छोटी सी पत्तियाँ होता है और बंच में फ्लावरिंग करने वाला ये फूल होता है। ये देखिए अभी कलियाँ लग रही है इनकी, ये छोटे छोटे से कलियाँ लग रही है। अब जब ये फूल खिल जाएंगे तो एक साथ ये दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। इस पौधे को सनलाइट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, खाद बहुत कम, साथ ही आप इसे पानी रोज़ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि फुल सनलाइट वाला पौधा होता है तो पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, दिन में एक बार। अगला हमारा गुलाब है। गुलाब के बिना भी हर किसी का गार्डन अधूरा रहता है और गुलाब को हर कोई बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। विंटर में क्या होता है, गुलाब वैसे है परमानेंट पौधा, पूरे साल भर ये फूल देता है, लेकिन विंटर में इनके फूलों की साइज़ बहुत बड़ी खिल के आती है, साथ ही इनके वैरायटी कलर हमें नर्सरी में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है ओनली विंटर सीजन में।
और इसी टाइम हम गुलाब के ढेरे कलेक्शनों को ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो दिवाली से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में भी गुलाब की ढेरों सारी वैरायटी हो, तो इस टाइम आप नर्सरी से इस पौधे को परचेस कर सकते हैं। गुलाब की थोड़ी सी केयर टिप्स मैं शेयर कर देती हूँ। सन लविंग प्लांट है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही ये एक हैवी फीडर प्लांट है। अगर आपका पौधा फूल नहीं दे रहा है तो इनकी हल्की सी प्रूनिंग कीजिए, ज़्यादा नहीं। और इस टाइम अक्टूबर में वैसे भी हमारे जो पुराने पौधे होते हैं उनकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रूनिंग करने के बाद देखिए ऐसे ताजे ताजे से लाल लाल से पत्ते और ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाता है। ये देखिए जैसे मैंने ये प्रूनिंग के बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिला है। उसके बाद क्या होता है, इनमें कलियाँ लग जाती है, फिर कलियों के बाद ऐसे फूल खिल जाते हैं। खाद में आप इस पौधे में गोबर की खाद दे सकते हैं। विंटर में गोबर की खाद बहुत ही कमाल का होता है, साथ ही थोड़ा सा आप नीम खली का यूज़ ज़रूर करें। और गोबर की खाद नहीं है, केमिकल फर्टिलाइज़र आप देना चाहते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र महीने में एक बार दें, ज़्यादा इसका प्रयोग ना करें गुलाब के पौधे पर। और अगर गोबर की खाद या घर में बना हुआ कोई भी खाद आप दे रहे हैं तो 15 दिन के बाद आप इसमें दे सकते हैं। अगला जो फूल हैं उनकी फूलों के कलर के साथ साथ इनके फूलों की जो साइज़ होती है, विंटर फ्लावर्स में सबसे बड़े साइज़ का ये फूल होता है वो है पिटूनिया। पिटूनिया विंटर का राजा भी होता है क्योंकि सबसे अधिक और सबसे ज़्यादा कलेक्शन इन्हीं पिटूनिया में हमें दिखने को मिलता है। पिटूनिया एक सन लविंग प्लांट है, इसको खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है लेकिन पानी की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब इनकी जो मिट्टी में वो नमी ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि दिन भर की धूप इसे मिलती है तो ये बहुत अधिक मात्रा में हमें फूल देता है। इससे पौधे से हमें लगातार फूल लेने के लिए दो काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इनकी फूल अगर खिल जाए और सूख रहा है तो उनको पिंच करके हमें प्लांट से तुरंत अलग करना चाहिए होता है। साथ ही इसकी पीली पत्तियाँ और अगर इसमें घास हो रहे तो उनको भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लंबे समय तक आप इस पौधे से फूल लेंगे तो इन टिप्स को फॉलो करके फूलों का आनंद ले सकते हैं। अगला हमारा डेंथस है। डेंथस से भी एक परमानेंट पौधा होता है, बहुत ही सस्ते प्राइस में हमें नर्सरी में मिल जाते हैं। जब भी आप डेंथस को परचेस करें तो पूछ कर लाएं कि परमानेंट कौन सा है। परमानेंट विंटर के अलावा समर और रेनी सीजन में भी थोड़े थोड़े से फूल देती ही रहते हैं अगर इनकी केयर उस टाइम ढंग से करें तो। ये भी एक सन लविंग प्लांट है, धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे इनकी कलियाँ ये देखिए खिल रहे हैं और ये थोड़े से स्टिक की तरह इनकी एक एक ब्रांचेस निकलते हैं, इनको कट करना बहुत ज़रूरी होता है जब एक बार फूल पूरी तरीके से खिल जाए तो। खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बस आप पानी एक बार ज़रूर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।